मध्य प्रदेश शासन के मां क्षिप्रा एवं मां मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा अनूपपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से पत्रकार वार्ता के दौरान बोले कि पवित्र प्राचीन नगरियों में बाबाओं को बड़े बड़े आलिशान आश्रम में नहीं बल्कि झोपड़ी में रहना चाहिए। वहीं कंप्यूटर बाबा ने विभागीय अधिकारियों को कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में सिर्फ मैनुअल उत्खनन ही हो। इस मौके पर कंप्यूटर बाबा ने अनूपपुर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नवीन सर्किट हाउस प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। पत्रकारों के द्वारा मिली मीडिया के माध्यम से कि नर्मदा जो है वो धीरे धीरे कपिल धारा हो वो सब सूखने लगी है। उसका कारण ये है वहाँ सब पक्का निर्माण हो, तो पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए। इस बात का समर्थन बाबा जी जो निर्माण हो चुका है उस पर भी आपने कुछ कहा कि बाबाओं का जो अवैध निर्माण है, देखिए साधु संतों का, बाबा नहीं कोई भी हो जी, किसी को अतिक्रमण नहीं, पर यदि साधु संतों ने कुटिया बनाने का जो है वो कुटिया बनाए, कुटिया बनाने का मैनेज करें और वो जो धरोहर है अमरकंठक जैसी उसे यथास्थिति बनाए रखें। जैसी अमरकंठक लोग सुनते थे, लोग बाबा लोग कुटिया बनाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ साधु संतों को भी आने वाले समय में कुटिया ही बनाना चाहिए बजाय बाबा जी नर्मदा जी। गंदा पानी की बात आई थी कि वहाँ गंदा पानी भी कोई भी आश्रम छोड़ता है वो तो बिल्कुल खराब है। साधु संतों को भी चाहिए कि माँ नर्मदा में तो कम से कम गंदा पानी ना। 2015 के बाद एनजीटी के आदेश के बाद जो पक्के निर्माण हुए क्या उन्हें हटाने की सिफारिश करेंगे? मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं उनको संदेश दूंगा कि ऐसा होने से ये हुआ है, मेरा दायित्व है निर्माण करा रहा नर्मदा नदी तो वो उसके लिए यदि सरकार करा रही है तो मैं तो क्या सरकार के लिए मन में सुनिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा इस बात को कि यदि ये पक्का हो रहा है तो इसे क्या किया जाए और निर्णय तो वहीं दे पाएंगे ना। कंक्रीट का एक जाल बिछाया जा रहा है अमरकंटक में, स्मार्ट सिटी का काम चालू है। नहीं मैं अभी सभी लोगों ने कहा जनता जनार्दन से, जनता जनार्दन का भी यही कहना था कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि पक्का निर्माण हो, तो जनता नहीं चाहती है, जिसको सुख चाहिए तब किसी को नहीं चाहिए तो फिर क्यों बनाया जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं बात करूं। कंप्यूटर बाबा ने अवैध उत्खनन को लेकर सोन नदी का भ्रमण किया जहां एक भी अवैध गाड़ी नदी में नहीं मिली, क्योंकि कंप्यूटर बाबा की आने की खबर पहले ही मिल गई थी जिस कारण अवैध उत्खनन बंद ही रहा। वहीं नवीन सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनूपपुर में आकर अच्छा लगा, यहाँ की जलवायु अच्छी है।